मैं ना एक अपना सिलेबस का स्क्रीन शेयर करती हूँ। सिलेबस का स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। मैम? हाँ यस, स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ मैम, हाँ, सरान ने ना लिंक पाठवले 5:30 ची, 5:30 ची तो कितने वजले? हाँ एक ठीक आहे, मग आपण 5:30 एक 5-10 मिनिटं घेऊया आणि मग आपण ऑफ करूया तुमचं, मग जोपर्यंत लेक्चर सुरू होईल। ठीक आहे? ओके. हाँ आता देखो, बोला। मग करणार आहे का लेक्चर? हाँ हाँ बोला। संडे? हाँ संडेला तुम्हाला चालेल ना लेक्चर? आम्हाला चालेल, तर आपण सकाळी घेऊ शकता का? संडेला, उद्याला किती वाजता? आता डिसाइड करा सगळ्यांनी ना, जे कोणी साडे येणार आहे मग. नऊ ला वगैरे चालेल का? 10 वाजता किंवा 9:30 ला वगैरे? चालेल, तुम्ही मला सांग, तर चालेल. 9:30 ते 10 या दोन टायमामध्ये घेऊया आपण। सोशियोलॉजीचा पण संपलाय. हो संपलं का? मग रोज आपण सकाळी घेतलं तर लेक्चर चालेल का तुम्हाला सगळ्यांना? बेटर असेल. म्हणजे साडे हो नऊ मॅम, 10 च्या दरम्यान चालेल. सगळ्यांना चालेल? हो मग ठीक आहे, मग 10 वाजता. 10 वाजता चालेल? हो चालेल मॅम. हाँ मग चालेल, उद्या उलट सकाळी घेतलं तर आपल्याला बेटर राहील ते, सकाळ सकाळ सगळ्यांचं होऊन जाईल। हाँ ठीक आहे, मग उद्याला आपण 10 वाजताचं लेक्चर ठेवून देऊ। ठीक हो आहे? चालेल. यस मॅम. नाही संध्याकाळचं तुमचं हे नाही होणार। हाँ आता बघा, ये जो क्वेश्चन देखो, पहिला देखो, हमने फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पे। ये हमारा हो गया महाराष्ट्रातील पंचायत राज संबंधी कायदे, उसमें से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। ठीक है? मैम अभी आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया है. हाँ आपका स्क्रीन ये हो गया है, मतलब पूरा पेपर नहीं खुला है, वापस से आपको खोलना पड़ेगा. वो सिर्फ आपका आइकन दिख रहा है, ओके, हमको पेज नहीं दिख रहा. एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ वापस। अभी दिख रहा है स्क्रीन? दिख रहा है? हाँ अभी दिख रहा है. अभी देखो, ये जो हमारा पहला चैप्टर है महाराष्ट्रातील पंचायत राज संबंधीचे कायदे, ये हो गया है। उसमें से अ ब क ड 73 अमेंडमेंट तक हो गया है। बाद में अभी हम ले रहे हैं जमीन सुधारणा विषय कायदे। आपका इंग्लिश में जो सिलेबस है ना उसको मैच करो ताकि मैं जो बोल रही हूँ आपको समझ में आएगा। ठीक है? अभी मैं जो क्वेश्चन ले रही हूँ, जो हमारा चालू है, वो ए है, ए भू धारणा व भू सुधारणा। हाँ और उसके बाद मैंने जो कुल कायदा बोला ना वो सेकेंड वाला है, ब वो मैं बताऊंगी ना तब आपका वो पहले वाली जो क्वेरी है ना वो सॉल्व हो जाएगी, ये क्वेश्चन लेने लेते समय। उसके बाद कमाल जमीन धारणा कायदा। कमाल मतलब क्या? मिनिमम, कम से कम, मतलब मेरे पास 1,000 एकड़ जमीन है तो मुझे मेरे फैमिली में कितने मेंबर है उसके हिसाब से कम या ज्यादा से ज्यादा मैं कितनी जमीन रख सकती हूँ उसके लिए ये कायदा बनाया गया है। और चौथा कायदा है जमीन से एकत्रीकरण व टुकड़ेबंदी, मतलब मेरी जमीन 4 जगह पे डिवाइड की जाए, इधर उधर उधर, तो उसके लिए मुझे 4 जगह पे घूमना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, एक गांव में से 50% या उसके अबाव जो लोग ये जमीन का जो लैंड है उसको एकत्रित करने के लिए तैयार होते हैं तो ये कायदा सक्सेसफुल होता है। क्यों? क्योंकि अगर 4 जगहों की जमीन, मेरे 3 जगहों की जमीन एक जगह पे आ जाए, मतलब मुझे मेरे पास 10 एकड़ जमीन है तो उसमें से 7 से 8 एकड़ जमीन भी एक जगह पे आ जाएगी तो भी मेरा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्योंकि ये जमीन इतनी है तो अगर 10 जगह पे है तो उसको क्या करते हैं हम, हमारे जमीन को कंपाउंड करते हैं, उसको मराठी में बांध घालना, बांध बंदिस्त करण असं म्हणतात। तो ये कंपाउंड डालने के जगह, 4 जगह पे जमीन है, 4 जगह कंपाउंड का खर्चा आता है,
वो कंपाउंड में हमारी कितनी जमीन जाती है, अगर 4-5 जगहों पे है तो हमारी ज्यादा से ज्यादा आधा एकड़ या 1 एकड़ या उससे थोड़ा सा कम हमारी जमीन वॉल कंपाउंड में जाएगी और खर्चा भी बढ़ेगा। लेकिन एक इकट्ठा जमीन होगी तो उसका खर्चा भी कम होगा, उसके साथ 10 जगह पे मुझे जाने की जरूरत नहीं है, 10 जगह पे मुझे बोरवेल करना पड़ेगा पानी के लिए जरूरत है ना। उसके बाद ये जो हम कंपाउंड डालेंगे उसके लिए जो जमीन हर एक जगह पे ज्यादा जाती थी यहाँ पे कम जाएगी, तो मेरी जमीन 1.5 एकड़ बांध ये वो कंपाउंड में जाएगी, बाकी की जमीन कहाँ रहेगी खेती के लिए यूज होगी। मतलब मेरे पास 10 एकड़ जमीन है लेकिन 10 एकड़ की 1 एकड़ जमीन इस वॉल कंपाउंड में जा रही है ना, तो इसके लिए उसका एक फायदा होता है। तो ये पूरा जो जमीन सुधारणा करने की जरूरत है ना, मतलब भारत को अगर गरीबी से बचाना है जो जब फ्रीडम मिला हमें तब ये सब करने की जरूरत पड़ी। मतलब एक कायदा करने से नहीं होगा, तो उसके लिए बहुत सारे कायदे करने पड़ेंगे। तो उसमें से हमने फिलहाल तो अभी 4 ही लिए हैं, तो वो क्या है, तो उसका पहले का भू धारणा और भू सुधारणा हम ले रहे हैं। तो अभी देखो जो हमारे पॉइंट्स चालू है उसके हिसाब से खंड निश्चिति में बोल रही थी आपको, तो वो खंड निश्चिति क्यों करना पड़ेगा, आधा हो गया था हमारा थोड़ा सा बताती हूँ और आगे का क्वेश्चन नहीं सॉरी वो भी हो गया था हमारा 1 मिनट। तो उसमें का हम अभी क्या लेंगे, पुराना जमीनीचा हक्क मिळवून देणे, जो कुळ है मतलब जो हमारा जो है ना डी है कुळ कायदा, उसे कुळ कहा जाता है मराठी में। तो कुळांना काय करावं लागेल, जमीन काय करून द्यावी लागेल ह्याच्यामध्ये शेअरिंग हे करू क्या, अभी इसकी जरूरत नहीं है ना, आपको समझ में आना ये। हाँ मैम, हाँ अभी आपके नेक्स्ट इसका लिंक भी दिया है देखो आशिया ने शेयर किया है। हाँ तो आप ये मीटिंग खत्म होने के बाद आपकी अगले सेकंड इसकी मीटिंग है ठीक है। तो ये जो है कुड़ाना हक को काम में देने, क्योंकि उनके पास अगर जमीन होगी तो क्या हो जाएगा, वो खुद से जमीन करेंगे। अगर मेरे पास में मानो मेरा खुद का मकान नहीं है, मैं भाड़े के घर में रहती हूँ, मुझे ये भाड़े का मकान जो है वो कैसा है, वहां पे वॉल्स एकदम खराब हो गई है, उसको पेंटिंग की जरूरत है, वहां पे अच्छी अच्छी चीजें लगानी है, मुझे फर्नीचर करना है। तो अगर मुझे जो घर मालक है उन्होंने बोला कि अभी मुझे मेरा घर चाहिए, तो मैंने ये जो सब पूरा खर्चा किया वो पानी में चला जाएगा कि नहीं। मतलब मैं अगर जो मेरा परमानेंट घर नहीं होगा तब तक मैं वहां पे कुछ भी सुधारणा नहीं कर सकती, उसमें परमानेंटली चेंजेस नहीं कर सकते। उसी प्रकार अगर किसान जो है, किसान को क्या है वो दूसरों के पास जमीन करता है मतलब खेती करता है 10 साल के लिए 5 साल के लिए, और उसने उस वहां पे क्या किया पूरे इसको कंपाउंड कर दिया, उसमें वो बोरवेल कर दिया, उसमें अगर जमीन है ऊपर नीचे है उसको सपाटीकरण मतलब जेसीपी लगा के एक समान जमीन कर दी, और बाद में ये सब करने के बाद वो जमीन मालक बोलेगा अभी मेरी जमीन मुझे चाहिए, तो ये खर्चा उसका पानी में गया। तो क्या होगा इसके लिए, वो क्या करते हैं उसमें कुछ चेंजेस परमानेंटली सुधारणा नहीं करते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर खेती का इनकम बढ़ाना है तो ये जब चेंजेस करेगा किसान या उसको अच्छे से खेती वो अच्छे से खेती करने लगेगा मतलब आधुनिक पद्धति से, और हमारी खेती कैसे पारंपरिक पद्धति से, तो उसका इनकम कम आता है पारंपरिक मतलब करते हैं, तो आधुनिक तरीके से करनी है तो उसको परमानेंटली सुधारना करने चाहिए, चेंजेस करने चाहिए। लेकिन ये कब करेगा, जब उसके नाम पे खुद के नाम पे जमीन होगी तभी करेगा वो, तभी पॉसिबल है। इसके लिए उन्होंने क्या बोला है, कुळांना जमिनीचा हक्क मिळवून देणे, मतलब मैं जमींदार हूँ, मैं 50 एकड़ जमीन कर रही हूँ, 150 एकड़ जमीन और लोगों को करने के लिए दी है, तो 150 एकड़ जो जो लोग जमीन करते हैं तो उनके नाम पे कुळ कायदे के अनुसार वो जमीन उनके नाम पे हो जाएगी, और ऐसा हमारे देश में हुआ है इस कायदे के अनुसार। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, परमानेंटली सुधारना करेंगे, परमानेंटली सुधारना करेंगे तो उसमें चेंजेस करेंगे तो ही वो इनकम बढ़ा पाएंगे। अगर उनका खुद का इनकम बढ़ता है तो गांव का इनकम बढ़ेगा, गांव का बढ़ेगा तालुका जिला राज्य और बाद में देश का, ऑटोमेटिकली इनकम बढ़ने वाला है।
इस प्रकार देश को गरीबी से क्या करना है, गरीबी हटानी है तो ये पूरा चेंजेस करने चाहिए, तभी ये गरीबी हटेगी। एक को काम दोगे, जो हमारे यहाँ पे आजकल क्या करते हैं, एनजीओ रहते हैं, या जो अमीर लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, जो गरीब लोग हैं या जो ट्राइबल लोग हैं उनको खाना पीना देते हैं, कपड़े देते हैं, लेकिन इसके बाद क्या होता है, वो 2 दिन के लिए ही चलता है, बाद में तीसरे दिन वो क्या करेंगे। इसके लिए अगर ये परमानेंटली चेंजेस लाने हैं हमारे देश में, तो उनको रोजगार, मतलब उनको क्या करना है, काम देना है, और काम देने के लिए उनको लैंड देनी पड़ेगी। लैंड देगा तो ही उसको, वो लैंड कैसी होनी चाहिए, तो परमानेंटली उसके नाम पे होनी चाहिए। इसके लिए अगर इस प्रकार का ये काम करेंगे तो ही क्या होता है, देश का ये इनकम बढ़ेगा और देश गरीबी मुक्त हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने क्या बोला है, पुराना जमीनीचा हक मिळवून देणे, समझ में आया। और उसका अभी 2 मिनट में आपको बंद करती हूँ, क्योंकि आपका 5 मिनट ही बाकी है। भूधारणे वल कमाल मर्यादा करणे, भूधारणा वो मतलब जमीन, लैंड, तो मेरे पास धारणा मतलब क्या, मेरे पास कितनी जमीन है, तो उसके ऊपर क्या करना है, कमाल मर्यादा, मिनिमम मर्यादा डालनी है। मतलब क्या, मेरे पास घर में 10 लोग हैं और मेरे पास 400 एकड़ जमीन है, तो 400 एकड़ जमीन बहुत हो गए, तो मेरे पास 10 लोग हैं तो उनको 100 एकड़ या 150 एकड़ जमीन बस बस हो गई। वो कितनी जमीन किसको होनी चाहिए, वो हम आगे वाले क्वेश्चन में लेने वाले हैं, तो उसके हिसाब से बाकी की जमीन गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। तो इस कायदे के अनुसार उन्होंने क्या किया गया, अगर बदलाव लाना है ना, तो मतलब एक बच्चा है जो पढ़ाई नहीं करता, तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो पढ़ाई के लिए 10 ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे ना, किस प्रकार से वो पढ़ाई करेगा। उसको खाना अच्छा देना पड़ेगा, उसके हिसाब से उसको टीवी चैनल भी थोड़ा देना पड़ेगा, पढ़ाई करने के लिए अलग अलग टिप्स हमें यूज करने पड़ेंगे। वैसे ही देश में सुधारना लाना है, गरीबी हटानी है, तो एक कायदा करने से नहीं हटेगी, इसके लिए 100 कायदे करने पड़ेंगे। इसके लिए आगे वाला जो कायदा दिया है, तो कम से कम लोगों के पास कितनी जमीन होनी चाहिए वो डिसाइड करना पड़ेगा। और उस कायदे के अनुसार उन्होंने क्या किया है, भूधारणीवर कमाल मर्यादा, मतलब कम से कम मर्यादा डाली, और ये एक्ट बनाया, तब लोगों को उनके पास की जमीन बाकी लोगों को मिलेगी। ठीक है, अभी आपका टाइम हो गया है, तो मैं अभी इधर यहाँ पे स्टॉप करती हूँ, तो कल हम 10 बजे लेक्चर रखेंगे, ताकि क्या होगा, आपको भी सुविधा हो जाएगी। ठीक है, और आपको कुछ और हाँ मैम, चाहिए, हाँ बोलो, आज जितना पढ़ाया उतना समझ में आया, हाँ मैम, हाँ मतलब मैं कैसे ऐसे रनिंग नहीं पढ़ा रही हूँ, अभी आपको ज्यादा से ज्यादा समझ पाए उस हिसाब से ले लूँ। ठीक है, ओके मैम, ओके मैं स्टॉप थैंक करती यू हूँ, ओके वेलकम। मैम।